बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री आकर के बयान करते हैं, सबूत लाओ एयर स्ट्राइक के सबूत लाओ, और उन्हीं के चमचे उनकी हिम्मत होती है फिर सेना को गाली देने की। जिस दिन भगवान न करे मोदी जी को कुछ होता है, योगी जी को कुछ होता है, अमित शाह जी को कुछ होता है, ये लोग उस दिन भी जश्न मनाएंगे, उस दिन भी जश्न मनाएंगे। हमारे यहाँ के ये कौन लोग हैं जो अजीत डोभाल जी को अगला टारगेट बोल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत कड़वा सच में आपको बोल रहा हूँ। आप इनको अपने जिगर का अपना ना कलेजा काट के इनकी हथेलियों में रख दोगे, ये तब भी थैंकलेस लोग हैं, ये एहसान फरामोश लोग। ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, सेना का एक भी जवान जो जवान है, जो बिल्कुल सहायक के लेवल पे होता है। आज मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत संयम रखता हूं अपने ऊपर कि मैं अपनी वो बातें ना बताऊं कैमरे पे आकर के, जो आपको जाननी आवश्यक नहीं है, ये सब यहां दिल में पाल के बैठा हूं, लेकिन ये यादें ताजा होती हैं जब ये लोग बोलते हैं, हमारी सेना को गाली देते हैं। बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री आकर के बयान करते हैं, सबूत लाओ एयर स्ट्राइक के सबूत लाओ, और उन्हीं के चमचे उनकी हिम्मत होती है फिर सेना को गाली देने की। लेकिन ये श्रद्धा भाव समझिए, जिसके तन पे वर्दी है, जो भारतीय सेना में है, हमारे लिए वो हर एक जवान वंदनीय है, पूजनीय है, चाहे वो ड्राइवर के तौर पर हो, चाहे वो जनरल के तौर पर हो। लेकिन बहुत अफसोस होता है मेरे को ये लोग देख करके जो गालियां दे रहे हैं, और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, एक कड़वा सच आज मैं यहां पे 9 दिसंबर 2021 को बोलता हूं, भगवान करें आप लोग बहुत लंबा जिए, बहुत लंबा जिए, आप सभी शतायु हो, देश को आपकी आवश्यकता है, धर्म को आपकी आवश्यकता है, लेकिन मैं अपने हाथ जोड़ के कड़वा सच बोलता हूं, आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, कभी ना कभी भविष्य में काम आएगी। जिस दिन भगवान ना करे मोदी जी को कुछ होता है, योगी जी को कुछ होता है, अमित शाह जी को कुछ होता है, ये लोग उस दिन भी जश्न मनाएंगे, उस दिन भी जश्न मनाएंगे, ये उस दिन भी ऐसे ही गंद मचाएंगे। इनको ये लिहाज नहीं रहेगा कि भारत देश का प्रधानमंत्री है, इनको ये लिहाज नहीं होगा कि भारत देश का गृह मंत्री है, इनको ये लिहाज नहीं होगा कि एक सूबे के मुख्यमंत्री है, इनको ये लिहाज नहीं होगा कि वो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी। अरे जिस अजीत डोभाल जी के मरने के सारे दिन वहां पे पढ़े जाते हैं दुआएं हमारे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में, हमारे यहां के ये कौन लोग हैं जो अजीत डोभाल जी को अगला टारगेट बोल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत कड़वा सच में आपको बोल के जा रहा हूं आज। तो मेरी इतना सा निवेदन है, अगर कहीं गलती से मेरी क्लिप सत्ता में बैठे हुए किन्हीं बड़े लोगों तक पहुंच जाए, गाड़ियां पलटनी शुरू करो, ये गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होगा। कविताओं में कहना ज्यादा सरल होता है, यहां बोलूंगा दिक्कत हो जाएगी। मैं एक कविता की वो पंक्ति फिर से प्ले कर देता हूं, जो पंक्ति शायद यूपी के मुख्यमंत्री जी ने देख ली, जो शायद आसाम के मुख्यमंत्री जी ने देख ली, वहां पर गाड़ियां पलटनी शुरू हो गई है, लेकिन पूरे देश में हमें यह सिलसिला करवाना पड़ेगा। खुले आम जो भारत माँ को देश में गाली बकते हैं, किसी सड़क हादसे में वो मर भी तो सकते हैं। मैं तरीका भी बताता हूँ, पहुंचा दो कोई तो। खुले आम जो भारत माँ को देश में गाली बकते हैं, किसी सड़क हादसे में वो मर भी तो सकते हैं। आक्रोश किए ज्वाला कब तक आखिर हम संभालेंगे, दो बच्चों वाले कब तक कर देकर दर्जन वालों को पालेंगे। सवाल वही है, आप किसका विश्वास जीतने में लगे हो मोदी जी? आपने ट्रिपल तलाक खत्म किया, लेकिन कमीन बाग में कुछ बकरियां बैठ गई। आपने जिन बकरियों के लिए अच्छा काम किया, वो बकरियों को आपके उस पे कोई, दे आर थैंकलेस पीपल, एहसान फरामोश लोग हैं। आप इनको अपने जिगर का अपना ना कलेजा काट के इनकी हथेलियों में रख दोगे, ये तब भी थैंकलेस लोग हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं। आपने इनको ट्रिपल तलाक के नरक से निकाला,
उस जहन्नुम से निकाला और कमीन बाग में बकरियां बैठ गई। अरे मोदी जी, योगी जी, जब ये आपको कहते हैं कि आप तानाशाह हो, जब ये आपको कहते हैं आप हिटलर हो, जब ये आपको कहते हैं कि आप सारी चीजों का मिसयूज कर रहे हैं, जब ये आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने सेना का मिसयूज किया, आपने इंटेलिजेंस का मिसयूज किया, आपने आईबी का मिसयूज किया, आपने रॉ का मिसयूज किया, आपने सारी खुफिया तंत्र का मिसयूज किया, जब ये आपके ऊपर 24 घंटे लांछन लगाते हैं, तो कर लो ना, लांछन तो फिर भी लगने हैं। कौन सा नोबल पीस प्राइस आपको मिल जाएगा मोदी जी, जब इन्होंने पूरी दुनिया में पेंट कर ही दिया आपको कि आप हिटलर हो, तो हिटलर वाला रूप ही दिखा दो। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो अजय भाई। ये नारे किसने बोले थे, हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे, देख लो। जिनके लिए आपने सब कुछ किया वो फिर भी आपके मरने की दुआएं पढ़ते हैं। दिस इज हाई टाइम, अगर आप अब एक्शन नहीं लेंगे, बिपिन रावत जी ने इशारा दे दिया था, ढाई मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो अंदर का मोर्चा है इसको संभालना बहुत आवश्यक है।